माताओं भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम यानी कि सुनीता का। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स जो है अभी ना सुबह के लगभग हो चुके हैं, 11 बज रहे हैं। तो आज जो है ना मैं इसी टाइम पे अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज ना फ्रेंड्स आज ही नहीं, 2-3 दिन हो गए हैं अभी लगातार बहुत ज्यादा धूप निकलती है। किसी टाइम पे तो अचानक से बारिश आ जाती है और किसी टाइम पे बहुत ज्यादा धूप निकल आती है। तो आप लोगों को दिखाऊं कि कितना ज्यादा हमारे यहाँ जो है वो धूप निकला हुआ है और ऐसे में ना बिल्कुल काम करने का मन नहीं लग रहा है। और इधर देखिए धूप देखिए, बिल्कुल ना आंख जो है वो निकल के नाचने लगेगा जैसे लग रहा है धूप देखकर। और हमारी छोटी को देखिए क्या खेल रही है। जोर से बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सबको। हाँ सबको गुड मॉर्निंग। और इधर देखिए खेल रही थी, क्या बनाई है बोड़ा, सबको रख रख करके खेली हुई, अकेली खेल रही थी। और धूप का तो पूछिए मत, बहुत बहुत ज्यादा धूप है। इस धूप की वजह से ना कुछ करने का मन नहीं लग रहा है, ना लिपाई करने का मन कर रहा है और ना ही कुछ बाहर का कुछ और भी काम। बहुत ज्यादा धूप, हालत खराब हो जा रही है फ्रेंड्स। कल की ब्लॉग में आप लोगों को दिखाई थी मैं, हल्का हल्का बारिश था जो कि, सॉरी कल तो मम्मी के गांव का दिखाई थी, परसों को दिखाई थी हमारे गांव का। तो जो है हल्का हल्का बारिश था, उसके बाद में हमारे गाँव पे नहीं आया। मम्मी के गाँव साइड पे तो आया था लेकिन हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आए थे। तो फ्रेंड्स अभी का ना जो है खाना पीना हो चुका है सुबह का, और ना मैं जा रही हूँ अभी लिपाई करने के लिए। बहुत ज्यादा गर्मी है बट क्या करें, करना तो पड़ेगा क्योंकि गंदा भी हो चुका है हमारा बरंदा। तो ऐसे में अच्छा भी नहीं लगता है बैठना उठना निकलना घुसना। और बहुत से हमारे फ्रेंड्स हैं जिनको लाल मिट्टी की लिपाई बहुत ज्यादा पसंद है और उनको देखना भी। तो जो है बरंदे की मैं जा रही हूँ पुताई करने के लिए। और यहाँ पर ना मैं मिट्टी जो है वो भिंगो कर रखी हूँ, वो दिखा रही हूँ। चलो इधर हो जाओ, ये देखिए दोनों बाल्टी में रखा हुआ है। देखिए इसमें है सफेद मिट्टी, देखिए इसका भी घोल बनाऊंगी। देखिए मम्मी के गांव का मिट्टी और मेरे गांव का मिट्टी, थोड़ा सा फर्क नजर आएगा आप लोगों को। जब ऐसे घोलती थी मम्मी के गांव का तो इस तरीके से नहीं दिखता है, थोड़ा सा उनका ना थोड़ा सा इस टाइप से कलर आ जाती है। देखिए इसमें का निकाल रही हूँ, ये देखिए इसमें का इस टाइप से कलर आ जाती है। और हमारे यहाँ का बहुत ज़्यादा सफ़ेद दिखता है पानी। और इसमें लाल मिट्टी को कर दी हूँ, पता नहीं फूला है कि नहीं, देखती हूँ। अरे वाह कितना अच्छा फूल गया है, देख रहे हैं, बहुत ही मस्त लग रहा है छूने में भी, लिपाई करने में कितना मजा आएगा। देखिए बहुत ज्यादा लाल दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा कैमरे में ना कभी कभी फीका भी नजर आती है, ये देखिए। तो इसका भी घोल बनाती हूँ और चलती हूँ दोनों बरंदा को पुताई करने के लिए। देखिए इसको भी करूंगी और इसको भी करूंगी। तो आप सभी बने रहिएगा और चलते हैं लिपाई करने के लिए। काफी ज्यादा धूप है और बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, गर्मी से तो मेरा पूरा हालत खराब हो जाता है। बट करूं क्या, करना पड़ता है काम, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। और जो है घर साफ सुथरा नहीं रहेगा जब काम नहीं होगी तब, तो करना तो पड़ेगा ही हमें। बहुत ज्यादा धूप है। तो यहाँ पर जो है हमने दोनों का घोल बना लिया था, उसके बाद जो है पुताई करना शुरू कर चुके हो फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं पहले ना मैं व्हाइट मिट्टी से किनारा बनाऊंगी सब तरफ का, जो कि 4 पिलर हैं, चारों पिलर के साइड पे और दीवार के साइड साइड पे। तो पहले मैं किनारा ही बना लेती हूँ। और जो है पिलर में लाल मिट्टी से मैं पुताई की थी तो भी थोड़ा सा फीका फीका हो गया क्योंकि बारिश की वजह से, बारिश का पानी जब गिरता है तो उसी में पड़ जाती है। तो उसको भी हल्का हल्का मैं लाल मिट्टी से कर दूंगी, उसके बाद जो है सफ़ेद मिट्टी से करूंगी। तो आप सभी बने रहिएगा वीडियोस के लास्ट तक और जो है फुल एंजॉय कीजिएगा। और आज मैं ना नेचुरल वॉइस भी सुनाऊँगी क्योंकि आप लोग जो है बहुत से फ्रेंड्स कहते हैं कि नेचुरल वॉइस अच्छा लगता है और जो है समझ में भी आती है ऐसे करके।
तो आज ना नेचुरल वॉइस भी मैं म्यूट नहीं करूँगी, हमारा आवाज़ भी रहेगा, नेचुरल वॉइस भी रहेगा, तो दोनों रहेगा फ्रेंड्स। तो आप लोग ना दोनों का एंजॉय कीजिए और जो है पूरी देखिएगा। बहुत से फ्रेंड्स का इंतज़ार था कि हमारा बरंदा जो है वो लाल मिट्टी से पोताई हो जाए, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी आज की इस ब्लॉग में बहुत ढेर सारा अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं किनारा बना चुकी थी दीवार के किनारे का, उसके बाद आ गई थी यहाँ पर जो कि लाल मिट्टी से कर दे रही हूँ, उसके बाद में नीचे का किनारे किनारे का फिर से सफ़ेद मिट्टी का किनारा बना दूंगी। तो बहुत ज़्यादा जो है ना पानी छिड़क छिड़क करके पूरा जो है क्या बोलते फीका सा हो गया था, तो अच्छा नहीं लग रहे थे हमें भी, तो हम सोचे लिपाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसको भी कर देते हैं। वैसे भी लाल मिट्टी जो भिंगाया हुआ था और पहले की थी तो मैं खरीद करके लाई थी वो वाला मिट्टी से की थी, और अभी जब कर रही हूँ वो मतलब खोद करके लाए हुए थे वही मिट्टी से कर रही हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना ज़्यादा धूप है, अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा धूप है। और वीडियोज़ के शुरुआत में भी दिखाई आप लोगों को धूप बहुत ज़्यादा निकला हुआ है। मुझे ना आज जो है पहली बार इस तरह से एहसास हो रही है कि बहुत ज़्यादा धूप में लिपाई कर रही हूँ, मतलब अपने आप में बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है और कैसे लग रहे थे बाकी उतने दिन मैं लिपाई की साफ़ सफाई की घर को, बट धूप का उतना एहसास तो नहीं हुआ। लेकिन जो है अभी बारिश होती है फिर धूप निकलती है, बारिश होती फिर धूप निकलती है, तो इसी की वजह से मेरे ख्याल से लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्मी लग रही है और जो है अच्छा नहीं लग रहे हैं गर्मी की वजह से, थोड़ा सा ज़्यादा गर्म गर्म ज़मीन से भी निकल रहे हैं और किसी टाइम पे अचानक सा ना छांव कर देता है और किसी टाइम पे इतना ज़्यादा धूप निकल आती है कि क्या ही बताएं। तो एक साइड का जो है हमारा ना दीवार भी किनारा बन चुका था और पिलर भी, तो दूसरे साइड का मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो हमारी छोटी जो है बहुत सारा क्या क्या को यहाँ पर बिखेर दी थी, तो सारा सामान को यहाँ से हटाऊँगी उसके बाद ही करूँगी यहाँ पर का। तो अकेले रहती है फ्रेंड्स और यहाँ पर जो है ना घर एक है हमारे घर के सामने, वहाँ एक बच्ची है आई रहती है तो फिर साथ में खेलते हैं, नहीं तो अकेले खेलती नहीं जाती उधर खेलने को, उसकी दीदी रहा करती थी तो फिर चले जाते थे उधर रोड साइड पे खेलने के लिए, लेकिन अकेले रहती है तब नहीं जाती है, घर पर ही अकेले उधर से इधर हो करके खेलती रहती है। और जो है एक हमारे फ्रेंड्स ने बोल रहे थे कि आपकी छोटी जो है उसको मैं बहुत से ब्लॉग में रोते हुए देखी हूँ, ऐसे बोल रहे थे। तो ना फ्रेंड्स जब मैं आवाज़ ओवर्स करती हूँ उस टाइम पे ना वो क्या करती है ना जानबूझ के रोने जैसे आवाज़ निकलाती है कभी कभी, मतलब तो थोड़ा सा नौटंकी बहुत ज़्यादा करती है बहुत ज़्यादा, कभी कभी तो मानती हूँ मैं कि रोती है वो, लेकिन कभी कभी ना वैसे ही करती है, जब भी आवाज़ ओवर्स करो तो और आ करके मेरे पास ही बैठ जाती है और हल्ला भी करती है, ऊपर से कभी कभी रोने जैसा आवाज़ भी निकालती है, तो लोगों को ऐसे लगता है जैसे अपने बच्चे को रुला रही है और अपने जो है वीडियोज़ बना रही है इस टाइप से लगता है, बट मैं उतना ज़्यादा नहीं रुलाती हूँ। कभी कभी जो है परेशान करती है मिठाई के लिए, सबसे ज़्यादा उसी के लिए, तो उस टाइम पे तो रोती है क्योंकि पैसा मांगती है फ्रेंड्स, और पैसा जो है बार बार कहाँ से दे पाएंगे, बच्चे हैं तो रोते हैं, इसलिए उनके लिए ना एक डब्बा चॉकलेट ला करके रखे रहते हैं और जो है जब भी मांगती है दो चॉकलेट या फिर तीन चॉकलेट दे देती हूँ मैं, उसके बाद फिर से खेलते रहती है। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान करती है तो मैं रुला देती हूँ, रोने देती हूँ, मतलब मारती तो नहीं हूँ बट अपने ही परेशान करते करते रो देती है। तो एक हमारी फ्रेंड्स वैसे ही बोल रहे थे कि बहुत से ब्लॉग में रोते हुए देखी हूँ ऐसे करके, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा नौटंकी भी करती है जिस टाइम पे आवाज़ उभर्स करती हूँ उस टाइम पे, बाकी समय कुछ नहीं करेगी और क्या बोलते हैं वीडियो बनाती हूँ ना उस टाइम भी कभी कभी वैसे ही करती है, रोने जैसा आवाज़ जो है वो निकालती है, ऐसे लगता है जैसे कि रो रही है। तो मैं बहुत से वीडियोज़ में ना उनका जो है आवाज़ म्यूट कर रखी हूँ, नहीं तो बहुत से वीडियोज़ पे वैसे ही करती है वो। सॉरी हमें खांसी आ गई थी। तो फ्रेंड्स देखिए इधर का भी पिलर जो है हमारा पोताई हो चुकी है और उसमें भी मैं किनारा बना दे रही हूँ, पहले ब्लॉक सॉरी पहले पिलर में जैसे बनाई थी बिल्कुल वैसे ही बना दे रही हूँ।
न्यू बारिश सभी गिर रही है, तो फिर जगह जगह का पानी भी पीने से खांसी वगैरह हो रही है, तो इसलिए खांसी मतलब खांस रही हूँ, थोड़ा सा आवाज भी दूसरे जैसे सुनाई देगा। देखिए यहाँ पर का थोड़ा सा जो है नजदीक से मैं दिखा दी हूँ, तो यहाँ पर का थोड़ी सी नेचुरल वॉइस भी रहने देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने सारे तरफ का किनारा बना चुकी हूँ, फाइनली देख सकते हैं पूरा जो है वहां से लेकर के पूरा उस पार भी बना दी हूँ मैं, दोनों पिलर दोनों बरंदे साइड का। उसके बाद अभी लिपाई शुरू कर दूंगी फ्रेंड्स। भाग धूप से बुखार पकड़ देगा, तुरंत थोड़ी आएगा बाद में आ जाएगी धूप से, हमको बहुत ज्यादा धूप नहीं दिखेगी ना हो। एल्पिन कर दे धूप से भागो रे, कहीं नहीं सुनती है तुम
तो फ्रेंड्स, लाल मिट्टी की पुताई कैसी लग रही है, रियल वाला? और पहले लिपाई करती थी वो मैं खरीद करके ले आया करती थी, लेकिन जो है अभी कर रही हूँ उसको तो खोद करके लाई हूँ, आप लोगों को दिखाई भी थी। तो मुझे तो कलर थोड़ा सा अलग लग रहा है, जैसे खरीद करके लाती हूँ थोड़ा सा ज़्यादा लाल ही नज़र आती है, और ये ना थोड़ा सा गेरू मिट्टी जैसा नज़र आ रही है। तो आप लोगों को कैसे लग रही है वो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जो है ना फ्रेंड्स, आज की ब्लॉग जो है ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहे थे, क्योंकि नेचुरल वॉइस फ्रेंड्स आप लोग समझ सकते हो, नेचुरल वॉइस में ना स्पीड करने के लिए भी नहीं बनता है, तो मैं नहीं की थी तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गए थे। तो आज जो है मैं पूरा आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ, कल की ब्लॉग में भी फिर से देखने को मिलेगा आधा अधूरा, और जो है फुल लुक देखने को भी मिलेगा फ्रेंड्स। तो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।